सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स कहते होंगे जिनको बॉल्डनेस का इश्यू है या उनके बाल झड़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कि वो लोग रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर के ऊपर, पर क्या वाकई में काम करता है? क्या इस रोलर को लगातार यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं? कि कितने समय तक हमें रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए? आप लोगों ने रोलर थेरेपी या माइक्रोनीडलिंग का नाम सुना होगा, कि हेयर ग्रोथ के लिए किसी ने उनको रोलर प्रेस्क्राइब किया है कि आप सुबह शाम सिर के ऊपर रोलर चलाइए तो इससे बाल उग जाएंगे। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? ये क्या थेरेपी है? इसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स कहते होंगे जिनको बॉल्डनेस का इश्यू है या उनके बाल झड़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कि वो लोग रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर के ऊपर। तो ये रोलर क्या होता है? एक्चुअली ये जो रोलर है, इसमें बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जिसको कि घर पे यूज़ करने के लिए देते हैं, और ये रोलर सिर के ऊपर दिन में एक बार या हफ्ते में दो या तीन बार फिराने के लिए, घुमाने के लिए बोला जाता है। तो होता क्या है कि जो फाइन नीडल्स हैं, ये फाइन नीडल्स स्किन में माइक्रो ट्रॉमा करती हैं, जिसकी वजह से माइक्रोवेस्कुलेशन होता है, माइक्रोवेस्कुलेचर बनता है, जिससे कि थोड़ा स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। पर क्या वाकई में काम करता है? तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि रूट के लेवल पे यदि हमें सर्कुलेशन बढ़ाना है तो हमें उसके आसपास तक नीडल्स को पहुंचाना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचाने के लिए हमें कम से कम 1.5 mm या 2 mm की लंबाई वाली नीडल वाला रोलर का इस्तेमाल करना होगा। और जब हम इतना डीप वाला रोलर इस्तेमाल करेंगे तो आप वो घर पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही वो नीडल वाला रोलर अपने सिर पे फिराएंगे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो हम लोग जो रोलर थेरेपी देते हैं, हम लोग हमेशा अपने क्लिनिक सेटअप में स्कैल्प को सुन करके ही रोलर थेरेपी देते हैं, और वो 15 दिन में एक बार देने से भी बेनिफिट उसको पेशेंट को पूरा मिलता है। दूसरा एक ये है कि क्या केवल रोलर थेरेपी से ही बाल उग जाएंगे? क्या पेशेंट को कुछ और नहीं करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। रोलर अकेले से स्टिमुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रहा है, माइक्रो वेसल्स को इम्प्रूव कर रहा है, पर जो अंदर जो पैथोलॉजी चल रही है जिसके वजह से हेयर रूट्स कम हो रही है, उसको भी रोकना जरूरी है। तो साथ में मेडिसिंस और PRP का सहारा यदि लेते हैं तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। एक और इसमें इशू है कि क्या इस रोलर को लगातार यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं? तो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि यदि कोई पेशेंट बहुत टाइम तक रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन थोड़ी सी थिक हो जाती है, स्कैल्प स्किन थोड़ी थिक हो जाती है, थोड़ा स्कार्ड हो जाती है। सो डेफिनेटली अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना एक लिमिट से ज़्यादा यदि आप रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही, डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट की सलाह के हिसाब से ही इसको आप यूज़ कीजिए। एक और पेशेंट्स पूछते हैं कई बार कि कितने समय तक हमें रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले तो मैं कभी घर पे इस्तेमाल करने के लिए इसको नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा क्लिनिक सेटिंग में ही करवाना चाहता हूँ, और हम इसको करीब 15 दिन के गैप पर 3 महीने से 6 महीने तक ही हम इसको सीटिंग देते हैं। इससे क्या होता है कि स्किन में आपके स्कैल्प में स्कैरिंग भी नहीं होती है, जो लेवल पे माइक्रो ट्रॉमा होना चाहिए वो प्रॉपरली होता है, और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इसके बारे में मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व करी हैं। यदि आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं माइक्रो नीडलिंग या रोलर के संबंध में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का, उसको आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नए नए वीडियोस टाइम टू टाइम दिखाते रहें। थैंक यू।